सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और गाइस, अब मैं जा रहा हूँ मंदिर। सुबह सुबह वैसे स्टार्ट मंदिर से होता है, बिस्तर भी सावन है, तो चलते हैं शिव जी की पूजा करने। पूछता हूँ नन्नू जाएगा, नन्नू को लेके जाऊँगा, वरना फिर आता है। कुछ स्पेशल तो नहीं आज, कोई काम भी नहीं है। देखते हैं अगर पैर क्या चलता है आगे, कैसा रहता है आज का दिन, चलते हैं अभी। तो आगे हूँ मैं इसके पास, यहाँ पे शॉप पे, उसी शॉप पे अभी कोई नहीं है। पापा भी ऊपर नहाने गए हुए हैं, तो जैसे पापा आएंगे उसके बाद हम जाएंगे मंदिर और फिर घर जाते हैं। और आज कुछ स्पेशल चल रहा ही नहीं है लाइफ में, पता ही नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब घर वालों को ब्लॉग का पता नहीं है, मम्मी बोलती है रोज़ रोज़ की पढ़ना तो स्टार्ट कर, तू पढ़ना तो स्टार्ट कर, घर पे बैठे रहता है। मैं भी सोच रहा हूँ बनाऊँ कोई रूटीन पढ़ने का, अगर पढ़ने लग गया तो फिर ब्लॉग कैसे बन पाएंगे। फिर वही घिसे पीटे ब्लॉग सारे स्टार्ट होंगे कि लाइब्रेरी में हूँ, अब थोड़ी देर बाहर जा रहा हूँ, फिर वापस लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ये भी नहीं हो सकता, अगर बाहर रहूँगा तो गोलू अज्जू हो गए, उनके साथ थोड़ा इन्जॉय हो जाता था। पार्क चल जाता था, पार्क जाता हूँ, पार्क जाके वापस 5-10 मिनट वापस आ जाते हैं। कुछ मज़ा नहीं आ रहा अभी लाइफ ही, पता नहीं कैसे चल रही है, बोरिंग सी बोरिंग सी। देखते हैं कुछ स्पेशल आना स्टार्ट हो तो, और अब घर से बाहर जा नहीं सकते घूमने, घूमने जाओगे तो पापा से पूछना पड़ेगा कहाँ कहाँ जा रहा है, किस लिए जा रहा है, क्या काम, अभी घूम के आए इतना, वैष्णो देवी, पढ़ाई पे फोकस कर। बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझ नहीं आ रहा कब होगा। पर देखते हैं डेली लाइफ बेसिस पे व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो किसे पीटे तो किसे पीटे डालने तो पड़ेंगे। तो वेट करें इसके पापा का आने का, उसके बाद मंदिर जाएंगे। क्या पता बोले ना आती, कुछ भी कर सकते हैं, साथ दे ले। अगर एक बार स्टार्ट हो गया ना व्लॉग चैनल, तो फिर उसके बाद तो पापा को बता दूंगा मैं कि हाँ मेरी इनकम स्टार्ट हो गई, तो मैं फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास अच्छा खासा प्लान लिखा हुआ, अच्छा खासा पढ़ाई प्लान, बस अपना वही गिव अवे वाला प्लान स्टार्ट करेंगे। उसके बाद दबाई गिव अवे करेंगे, जितने पैसे आएंगे सब यूट्यूब पे मेरे फ्रेंड्स में, वही क्वेश्चन राउंड, आंसर राउंड, चैलेंजिंग राउंड, यही करेंगे सब। बस एक बार मनी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी जेब से तो है नहीं मेरे पास कुछ लगा दूँ, जितने लगा रहा हूँ थोड़ा वो तो लगा रहा हूँ वैसे भी, पर कंटेंट वही रहेगा गिव अवे वाला, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप रिप्लाई करोगे उसको, फिर अच्छा सा गिफ्ट करेंगे और कुछ चैलेंजेस कर लेंगे अपने आई टी फैमिली वाले के साथ। बस एक बार स्टार्ट हो जाए तो जितना ज़्यादा उसे उतना सपोर्ट दिखाओ यार। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं कानों के स्कूल का टिफिन देने और फिर वहाँ सीधे मंदिर। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा खौफ में कोई इसका ही लगता है, इसको बाइक चलाने ठीक से आती नहीं है, और ये बोला मैं ही चलाऊंगा, तो टिफिन देने जा रहे हैं तो बोले मैं ही चलाऊंगा, उसमें तेज चलाएगा, ऐसा टिफिन लेके जा रहा है। इसको देखो अपना जोश दिखा रहा है टॉप पर, अगर सामने कोई गाड़ी आ जाए तो रुके ना इससे गाड़ी, तो आराम से, मेरे को डर लगता है तेरे पीछे बैठने में, पता ही इतना डेमो के दे रहा है, क्योंकि इसकी भी स्कूल वही थी पहले, तो जूनियर के सामने डेमो देने जा रहा है। फ्रेंड, पहुंच गए हम कानू के स्कूल, जेरी कानू के स्कूल, पूरा खा जा। और फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं मंदिर हम दोनों ही। चलते हैं अंदर, अंदर पापा है तो ब्लॉक थोड़ी देर के लिए फ्यूज होगा, ये कुछ नहीं बना पाऊंगा अंदर, बाकी म्यूट हो गया तो बना सकता हूँ। फ्रेंड्स, अब मैं खाना खा के आ गया हूँ, मतलब बाहर पापा वगैरह सब बैठे थे तो आके खाना खाया, अब रूम में आ गया, अब एडिटिंग करते हैं फिर ब्लॉग अपलोड करते हैं। वैसे मेरा ब्लॉग 2-3 के बीच में आता है, अब मैं सोच रहा हूँ कल से मैं थोड़ा जल्दी अपलोड करूँ, मतलब धीरे धीरे टाइम को डिक्रीज कर कम करते जाएंगे कि सुबह मॉर्निंग में आ जाए जल्दी। फिर सोचता हूँ कभी कभी यार बच्चे देखते हैं तो वही 2 बजे से 1-2 बजे तक सब फ्री हो जाते हैं, और फिर अपना वो क्वेश्चन राउंड, क्वेश्चन आंसर राउंड होता है ना, उसका भी थोड़ा दिक्कत होती है, तो देखते हैं वो टाइम सही है या सुबह। अगर एक कमेंट करके बताना आप कि मॉर्निंग में अपलोड करूँ या वो 2-3 बजे के बीच का टाइम सही है। फ्रेंड्स, मैंने अपना ब्लॉग एडिट तो कर लिया, बस अपलोड करना है, वही 2 बजे बाद करूँगा अपलोड। इसको देखो ये सो रहा है यहाँ पे, ये कल रात को क्या बोला भैया मैं कल कोचिंग जाऊँगा, सुबह उठते क्या बोला भैया यार मैं पैर में दर्द हो रहा है यार, मज़ा मैंने तो कल ही तक मना किया 2-3 रेस्ट कर लो उसके बाद चल जाना, अब देखते हैं। आप कल के लिए बोला, कल तो पक्का जाऊँगा, पक्का जाऊँगा, देखो अब क्या होता है, मैं उसको अभी मना करूँगा रेस्ट कर ले, फालतू ज़्यादा दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पर इसके मौज अभी सुबह उठ के ऑनलाइन क्लास ले लिया और अभी फ़ोन में लगा हुआ है, क्या दिख रहा है, रील्स देख रहा है, बढ़िया है, मौज ले रहे हैं ये भी ज़िंदगी के, वैसे हम भी मौज ले रहे हैं। अब एडिट करके बस अपलोड करना है, 2 बजे बाद अपलोड करूँगा मैं, 2-3 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है मेरा ब्लॉग, अभी फिक्स टाइम नहीं है, करेंगे एक दिन फिक्स टाइम भी करेंगे, इस टाइम मेरे ब्लॉग आते रहेंगे, क्योंकि बीच में कोई भी काम पड़ जाता है तो फिक्स टाइम नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, प्रॉब्लम क्या, मैं भूल गया यार उसको खाना रखना, टाइसन को तो रख के आ गया था मैं, लेकिन उसको रखना भूल गया, छोटे बेटे को मेरे, छोटे से वो है ना चिड़िया का बच्चा, उसको रख के आता हूँ, अब जा रहा हूँ मैं खाना रखना, उसको पानी भी रखना है उसको, तो मैं सोच रहा हूँ कोई बोतल का केप निकाल लूँ, उस बोतल केप में रख देंगे उसको पानी, जरा इसके अंदर पानी रख दूंगा, देखते हैं कहाँ बैठा है वो, इतना सा खूब है। तो ये उसका पानी हो गया और ये इसकी रोटी हो गई, देखते हैं कहाँ पे है वो। दीदी एक चेयर लिया ना,
क्या होता है पता नहीं कहाँ पे बैठा है नहीं है, देखता हूँ क्योंकि वो उड़ गया हमेशा नीचे आता है। और ये सामने बैठा मेरे, ये रहा ये रहा ये बेटा, ये वापस कूद गया नीचे, दिख गया आपको यार ये यहाँ से गिरा है मेरे को लग रहा है। देखो ये यहाँ पे और भी है, ये रहा ये यहाँ से गिरा है, मेरे को पता लग गया इस जगह से गिर गया ये फट गई यहाँ से गिर गया ये, 3 दिन से मैं तो संभाल रहा हूँ। रुक जा उसको उठा के रखता हूँ मैं, जल्दी पकड़ इसको, इसको ऐसे ही करता हूँ मैं, यहाँ देखते हैं और कितने हैं। ये तो इस चिड़िया का है, जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ ना वो चीची कर रही है, हाँ इस चिड़िया का है वो तो। गलत है घोसला, मैं तो वहीं बिठा देता हूँ उसको, एक यहाँ पे भी है शायद, इसमें भी हो सकता है वो, पर वो दिख रही नहीं है। यहाँ किसका है देखो, देखते हैं कोई बच्चे है। अरे कोई नहीं, अरे नहीं यार मैं नहीं करूँ, परेशान हो रही है वो, तो मैं उसको उठा के ऊपर बिठा देता हूँ यहीं पे। ये तो है ना इसका है, छोटी चिड़िया का, तो मैं इसको उठा के यहीं बिठा देता हूँ, अगर इसकी माँ वो होती है ना दूसरी वाली बड़ी वाली, वो आके उसको उठा के यहाँ से ले जाएगी, लेके जाएगी तो बाकी संभाल भी लेगी। मैं तो यहाँ बिठा देता हूँ इसको, ये ला इसको बिठा देंगे यहाँ पे। किससे ले लिया विशाल? रोहित गिरेगा गिरेगा, रोहित अंदर तो दे, ले ओ रोटी देख के, ले बेटी ले, ये खा ले बेटी ले, पल पानी काम तमाम तेरा पर मानी वो गया पानी अंदर बच गया, तुम खा ले ये बच गया मैं यहां पे, ये रोज खा लेता है ये, ऐसे तो नहीं है ना उधर गिर जाते होंगे। अरे हाँ ये कम खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है लेकिन खाता है जरूर है, ये तो यहाँ बैठा दिया इसको मैंने। मैं थोड़ी देर से आऊँगा व्लॉग अपलोड करके, वैसे 2 बजने वाले हैं, देखते हैं। यार डर रहता है बिल्ली आती रहती है हमारे घर पे तो खाना जाए इसलिए। तो फ्रेंड्स अब मैं जा रहा हूँ पार्क में, यहाँ तो कुछ है नहीं करने के लिए, पार्क में जाके थोड़ी देर बैठेंगे फिर उठ के आ जाएंगे, वहाँ पे कुछ करने के लिए नहीं, देखते हैं वहाँ पे कुछ स्पेशल हो तो। अब जा रहा हूँ पार्क, विशाल तो जा नहीं सकता उसके तो पेड़ में लगी हुई है, एक दो राउंड लगा के बैठ गए हम तो यहाँ पे, तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, देखते हैं कितनी देर बैठे उसके बाद घर जाना है। कुछ स्पेशल हो रही नहीं लाइफ में सच्ची बताओ ना, ऐसे बैठे रहते हैं बोरिंग सा, लाइफ निकलती जा रही है निकलती जा रही है, घास कट रही है सही बताओ लाइफ की। तो आ गया हूँ मैं घर पे, मम्मी तो लगी हुई है यहाँ काम के और दादी जी बैठी है। तो फ्रेंड्स पार्क से खाना खाया, उसके बाद टाइसन को खाने खिलाया और फिर उस चिड़िया के बच्चों को खाने खिलाया, और अब जस्ट ख़त्म करने वाला हूँ। तो आज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब जो अपनी सीरीज चल रही थी ना क्वेश्चन वाली, नेक बैंड की या नहीं ईयरबड्स वाली, नेक बैंड वाली ईयरबड्स वाली जो सीरीज थी उसके अंदर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन यही है कि इस हफ्ते से पूछ रहा हूँ, इस हफ्ते का मतलब 2 दिन पहले हुआ है, इस विषय का पेट किस वजह से टूटा है और मैं कहाँ लेके गया था इसको, मतलब कौन से हॉस्पिटल लेके गया था इसको, ब्लॉग में मैंने दिखाया है तो आपको ये बताना है किस वजह से टूटा था, क्या मतलब क्या रीज़न था जो टूट गया था इसका पेट, टूटा नहीं मतलब फ्रैक्चर, और कहाँ लेके गया था मैं इसको, कौन से हॉस्पिटल लेके था, हॉस्पिटल का नाम क्या है। तो आज के लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं कल लोग के साथ, आज के लोग अच्छा लगे इसको लाइक करना कमेंट करना, इस चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब करना, टाटा बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।